नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा आप सभी का करंट जीके की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की सीरीज में आज हम G20 के बारे में बात करेंगे। G20 वर्तमान में कैसे चर्चा में है, ये सभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। मैं इसके बारे में थोड़े बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा और इसी तरीके से आगामी जब कोई आप संगठन पढ़ो तो आप इसको इसी वे से तैयार करें। जैसे G20 की बात करें तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो कि यहाँ पर जी क्या है। तो जी का मीन्स यहाँ पर ग्रुप है, आप हिंदी में इसको समूह कह सकते हो। जी का मीन्स ग्रुप है। अब यदि हम इसके स्थापना की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना विकसित और विकासशील देशों के द्वारा की गई थी और ये स्थापना G8 के रूप में थी। आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग में इसका जो इनिशियल फॉर्म में ये 8 देशों का एक ग्रुप था जिसके कोई ऑफिशियल रूल्स नहीं थे, कोई ऑफिशियल रूल और रेगुलेशन नहीं थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता इसका इसमें 20 सदस्य जुड़े तो ये G20 के नाम से कहलाया। वर्तमान में दोस्तों हालांकि थोड़े कम चांस होते हैं कि ऐसे पूछ ले कि कौन सा सदस्य है कौन सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन 20 देशों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन से G20 के सदस्य हैं। जैसे हम यदि इसकी बात करें तो मैं G20 के 20 सदस्यों के नाम लेने जा रहा हूँ। अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, जर्मनी, चीन, रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, UK, भारत, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, टर्की और EU। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि भारत इसका मेंबर है, क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है या किस संगठन में भारत शामिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन बन गया था 2013 के RS में। तो इस टाइप से इन क्वेश्चनों की तरफ ध्यान दें कि G20 का सदस्य भारत है। दूसरी बात यदि हम देखें, मैंने लास्ट में 20वां जो सदस्य बोला है वो EU बोला है, यूरोपियन संघ है EU। लेकिन अब देखिए ये जो यूरोपियन संघ है, हम कह तो ठीक है हम रहे हैं G20 देश है, 20 देशों का समूह है, लेकिन EU खुद 27 देशों का समूह है, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन इससे अलग हो गया। अब हम यदि आगे की बात करें कि ये G20 वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो इसकी सबसे पहली बैठक जो हुई थी ये 14 से 15 नवंबर 2008 को हुई थी और ये वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई थी। पहली बैठक, आप बैठक कह सकते हो, अधिवेशन कह सकते हो, इंग्लिश में इसको समिट बोलते हैं। ये 2008 में वाशिंगटन DC में हुई थी। अब यहां थोड़ा ध्यान रखिए, वाशिंगटन DC कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेते हैं कि DC का क्या मतलब होता है। DC का मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन DC। अब मैं बात करूंगा कि वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है। तो इसका जो 13वां सम्मेलन हुआ है ये दिसंबर 2018 में हुआ है ब्यूनर्स आयर्स में, कई जगह इसको ब्यूनर्स आयर्स भी लिख देते हैं, अर्जेंटीना में है, ये प्रोनंसिएशन होता है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। लेकिन ध्यान रहे कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि अभी हाल ही में अखबारों में ब्यूनर्स आयर्स चर्चा में रहा, तो ये किस देश की राजधानी है या इसका संबंध किस देश के साथ है। इस तरीके से क्वेश्चन भी छोटे एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आगामी बात करूं तो इस सम्मेलन में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, तो 5 प्रमुख मुद्दों पर ये बातें हुई। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 5 मुद्दे आप राइट डाउन कर लें और जो भी बच्चे RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं या IAS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 5 मुद्दे अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे मेरा पहला मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है दक्षिण चीन सागर विवाद, तीसरा है खगोशी हत्याकांड जो वर्तमान में चर्चा में रहा था, तीसरा है रूस यूक्रेन विवाद, ये भी वर्तमान में अभी चर्चा में है, रूस यूक्रेन विवाद, इस पर हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे तब बात करेंगे इसकी। अमेरिका चीन की जो व्यापार नीति है ये भी वर्तमान में हाईलाइट है, जिसको आप ट्रेड वार कह सकते हो। तो ये इन मुद्दों पर चर्चा हुई। अब ये मुद्दे तो ठीक है रहे, चर्चा के विषय रहे,
लेकिन इसमें आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो कुछ बातें हुई जैसे त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई, त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई और दो रूपों में हुई जिसमें भारत शामिल था, एक तो चाइना और रशिया और इंडिया, इनके बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। नॉर्मल इस मुद्दे पर बात हुई कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समान दिखें या अपनी राय समान हो, इस संदर्भ में ये बातें हुई, जो भारत की विदेश नीति से के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये त्रिपक्षीय वार्ता हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 12 साल बाद हुई, खैर जो भी है। दूसरी जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको एक नाम दिया गया है, JAI, JAI के नाम, वार्ता के नाम से इसको जाना जा रहा है। J मीन्स यहाँ पर जापान है, A मीन्स अमेरिका है, I मीन्स इंडिया है, ये ध्यान रहे। तो ये त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई जो कि भारत को जो विदेश कूटनीति है इसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ एक बात करूंगा, जैसे अभी मैंने जय कहा, जय वार्ता हुई, इसी तरीके से एक थोड़े टाइम पहले एक शब्द चर्चा में रहा था, क्वाड, हालांकि इस सम्मेलन से कोई रिलेशन नहीं है उसका, क्वाड चर्चा में रहा था, क्वाड। ये क्वाड शब्द मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण है और लेटेस्ट में जय आया, तो मैं दोनों को मिला के पढ़ना है आपने। जय का मतलब तो है जापान, अमेरिका, इंडिया, और जो क्वाड है ये भी क्या है, ये चतुर्भुज सुरक्षा पहल है एक। इसमें भी 4 देशों का समूह है, जापान है, अमेरिका है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। तो जय में तो जापान, अमेरिका और भारत है, जबकि एक ऑस्ट्रेलिया यदि अब मिला देंगे तो क्वाड है। अब ये क्वाड जो है ये क्या है, एक अनौपचारिक सुरक्षा व्यवस्था है, अनौपचारिक सुरक्षा, इनफॉर्मल कह सकते हो आप, अनौपचारिक सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें हिंदू प्रशांत क्षेत्र में जो चीन की बढ़ती आक्रामकता है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको ये बैलेंस करने के लिए, या आप कह सकते हो इसको मॉनिटर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो आप एग्जाम की दृष्टि से ये ध्यान रखिए कि जय में कौन से देश शामिल है और क्वाड में कौन से देश शामिल है, ये महत्वपूर्ण बात हुई। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई, एक भारत ने 9 सूत्रीय एजेंडा पेश किया जो कि जो आपराधिक आर्थिक अपराधी थे, जैसे ये विजय माल्या वगैरह हो गया, ये नीरव मोदी हो गए, ये जो भाग कर गए थे इनको वापस कैसे लाया जाए, प्रत्यर्पण संधि से संबंधित ये बातें रखी गई सामने। हालांकि इसका कोई खास रिजल्ट नहीं रखा, लेकिन ये भारत का एक कदम रहा क्योंकि अकेला भारत इससे त्रस्त नहीं है, और भी अन्य देश भी त्रस्त है। इसके अलावा जो ये तीसरी बात जो ये हुई कि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था, जो व्यापारिक तनाव था, वो 90 दिन के लिए कम करने का उसको निर्णय लिया गया है। तो 90 दिन 3 महीने बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद आगामी जो बात हुई जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगी, हम 2022 में G20 की मेजबानी करेंगे, भारत 2022 में G20 की, G20 की मेजबानी करेगा, ये ध्यान रहे। उस टाइम हम भारतीय आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे होंगे, तो इस उपलक्ष्य में ये भारत का एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे ये 13वां G20 सम्मेलन हुआ, ये ब्यूनर्स आयर्स में हुआ, 14वां कहाँ होगा, 2019 में, 14वां 2019 में होगा और ये जापान में होगा, 15वां 2020 में होगा, सऊदी अरब में होगा, 16वां 2021 में होगा, इटली में होगा, और 2022 का जो 17वां है G20 सम्मेलन ये इंडिया में होगा। तो ये 4 चीजें आप आगामी एग्जाम के लिए याद रखें, क्योंकि इस तरीके से जब ये घटनाएं घटित होती है तो एग्जामिनर क्या करता है, ये सुमेलित करवा लेता है। जैसे मैंने एक नीट के एग्जाम में देखा था, जी जो कोप जो कल अपनों ने चर्चा की थी, वीडियो में चर्चा की थी, उसमें कोप का उसने कोप 20, कोप 80, कोप 50, इस तरीके से उसने 4 इस साइड में रखे और 4 इस साइड में उनके आयोजित करने वाले स्थान रखे। तो ये जो आगामी प्रोसेस है
ये सुमेलित टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। तो दोस्तों ये था अपना आज का करंट जीके का सिस्टम, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।